हाय गाइस, दिस इज अभिषेक अगेन और आई एम जस्ट रिटर्निंग बैक फ्रॉम द नोएडा फैसिलिटी ऑफ इंटेक्स व्हिच इज द फैक्ट्री वेयर दे मैन्युफैक्चर द फोन्स व्हिच दे सेल दीज डेज इन इंडिया. सो मोस्ट ऑफ द मॉडल्स गेट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम हियर इन इंडिया एंड दैट इज अंडर द मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया प्रोग्राम. सॉरी फॉर दैट. सो फिलहाल जो मैंने चीज़ें देखी हैं उसके बारे में बात करते हैं. लेट मी टेल यू वट आई हैव सीन इन दिस फैक्ट्री ऑफ इंटेक्स. अब यहाँ पे होता क्या है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है एंड देर इज अ कम्प्लीट असेंबली लाइन ऑन विच द फोन इज बींग असेंबल्ड फ्रॉम द मोमेंट यू हैव अ पीसीबी. उसके बाद उसके अंदर उसके ऊपर कवर लगाए जाते हैं, पीसीबी के ऊपर मेटल कवर लगाए जाते हैं, कुछ ब्लैक टेप लगाए जाते हैं जो कि एक तरह का आप समझ लीजिए एक तरह का वो होता है आपका एक हीट डिसिपेशन टेप टाइप होता है ब्लैक टेप. सो उससे आपका जो कंपोनेंट है वो हीट जो है डिसिपेट हो जाती है फ़ोन के अंदर. इसके अलावा उस पर उसके ऊपर जो सोल्डरिंग है वो की जाती है, उसकी टेस्टिंग की जाती है, डिस्प्ले की टेस्टिंग की जाती है. डिस्प्ले की टेस्टिंग के लिए एक मशीन है इंटेक्स के पास विच दे एक्चुअली यूज, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता इसके बारे में, लेकिन वो मशीन के थ्रू डिस्प्ले और कैमरा टेस्ट होता है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है. हालांकि वो मशीन जो है थोड़ी महंगी है और अभी दे आर ट्राइंग टू बेसिकली गेट दैट मशीन मोर एंड मोर एंड उससे वो टेस्टिंग और बेहतर हो पाएगी. तो ये सब चीज़ें पता चली हैं. इसके अलावा जब मेन फ़ोन बनना शुरू होता है तो उसका डिस्प्ले कॉम्पोनेंट जो है उसके साथ आपका पीसीबी कॉम्पोनेंट अटैच हो जाता है. फिर उसके ऊपर बैक कवर लगता है, प्लास्टिक के कॉम्पोनेंट लगते हैं. फिर देर इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन. एक ऑटोमेटिक मशीन के अंदर जाता है पूरा फ़ोन और उसके पीछे का जो बैक पैनल है जो मेन चिप से लगता है वहाँ पे स्क्रू जो है ऑटोमेटिकली मशीन से ही टाइट कर दिए जाते हैं. तो इस तरह की चीज़ें होती हैं ओवरऑल और देखा जाए तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मेंटेन है उस प्रोसेस को और सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये सब चीज़ें की जाती हैं. तो स्पेसिफिक एरियाज है जहाँ पे एसी अलाउड है, स्पेसिफिक एरियाज है जहाँ पे एसी अलाउड नहीं है. एक सूट होता है जो अलग तरह का सूट है जो कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज सूट है जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं रहता है, वो डिस्चार्ज कर देता है अपनी बॉडी में अगर कोई चार्ज होता है. और इसके अलावा जब भी कोई असेंबलिंग के लिए कहीं अंदर उस पर्टिकुलर एरिया में घुसता है जहाँ पे फोन असेंबल हो रहे हैं तो वहाँ पे एक टेस्टिंग मशीन है जिससे वो चेक कर सकते हैं कि उनके बॉडी में किसी तरह का चार्ज तो नहीं है. तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए इंटेक्स यहाँ पे फ़ोन बनाते हैं और इंटेक्स के नए नए फ़ोन यहाँ पे बन रहे हैं. एक्वा शाइन मैंने देखा यहाँ पे बनता हुआ और बाकी और फोन्स भी यहाँ पे बन रहे हैं. तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये सब चीज़ें हमें पता चली हैं, हमें देखने को मिली हैं. अंदर वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं जो फ़ोटोज़ आप लोग अभी इस वीडियो में देख ही रहे होंगे जो मैंने बी-रोल शॉट्स के फॉर्म में डाल दिए हैं. तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके और ये जान के बहुत अच्छा लगा कि इंटेक्स किस तरह से अपने प्रोसेसेस को सुधार रहा है. इसके अलावा कुछ ऐसी एरियाज भी हैं जहाँ पे स्ट्रेस टेस्टिंग होती है फ़ोन की. तो फ़ोन को ड्रॉप करके देखा जाता है, फ़ोन के डिस्प्ले को टच स्क्रीन को चेक किया जाता है एक ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू और ये भी देखा जाता है कि फ़ोन के डिस्प्ले पे कुछ स्क्रैचेस तो नहीं आएंगे. तो ये सारी चीज़ें आई थिंक दे टेक केयर ऑफ इट एंड ओवरऑल दे डू व्हाटएवर बेस्ट दे कैन टू फिक्स दीज थिंग्स और टू बेसिकली रिकॉग्नाइज दीज थिंग्स इन पर्टिकुलर मॉडल्स. तो ओवरऑल अच्छा लगा यहाँ पे, मैं तीसरी बार कह रहा हूँ सॉरी, लेकिन ठीक है. तो यही सारी चीज़ें थी जो कि इंटेक्स की फैक्ट्री में आके हमें पता चली है और अब मैं जा रहा हूँ वापस. आई एम गोइंग बैक टू ऑफिस. आई स्टिल हैव टू वीडियोज़ टू डू. आई हैव टू डू वॉइस ओवर फॉर टू वीडियोज़ एंड देन आई हैव टू मे बी शूट. आई थिंक आई डोंट हैव एनीथिंग टू शूट बट द बी-रोल शॉट्स आर देयर. आई विल हैव टू डू अ वॉइस ओवर थिंग. सो दिस इज़ ऑल आई हैव, दिस इज ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर what I can share as far as my day has been so far. So in case you guys want to know more or anything which you think ki mere ko vlogs mein include karna chahiye wo mujhe bataiye. I am just trying to document my complete day in the form of these vlogs which I have started creating so that you guys get to know what exactly is going in my life and how I'm basically trying to basically work and on the go tell you what is going on. So that's all. Thanks for watching.